अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दो दिन से कहाँ गायब हूँ। तो जी फुज़ैल की बर्थडे थी, तो उसमें आपको पता है घर में कोई भी इवेंट हो तो दावत होती है और मैं उसमें बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। दावत के पहले के काम और बाद के काम काफ़ी होते हैं, तो जी इसलिए मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। व्लॉग तो शूट करती रही लेकिन एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जी मैं, ये है बर्थडे से एक दिन पहले का दिन, और 17 को फुज़ैल की बर्थडे थी। तो मैं बस यहाँ पे ना चिकन को मैंने विनेगर लगा कर रख दी है थोड़ी देर के लिए, और फिर उसको वॉश कर लूँगी। और हमने करना था बारबेक्यू, बारबेक्यू का हमारा प्लान था, तो उसके लिए मैंने चिकन टिक्का के लिए भी चिकन मंगवा लिया था, और यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन भी मंगवाया था। तो मैंने इसके जो है चिकन के बनाने थे सीख कबाब। हाय अल्लाह, बेचारी एक ब्राउनी है, उसको गर्दन से पकड़ा हुआ टिफी ने और टांगों से टॉफी ने, और वो दोनों का मुकाबला कर रही है। तो अल्लाह, मेरी ब्राउनी को इन्होंने क्या बना दिया। देखो उसने पूंछल पकड़ी हुई है, इसीलिए तो ब्राउनी के गर्दन के बाल ऐसे हो गए हैं। एक ब्राउनी को दोनों दोनों भाई कितना प्यार करते हैं, दोनों खेल रहे हैं। ब्राउनी सभी की फेवरेट है। देखो उसने टेल अभी तक पकड़ी हुई है जालिम ने। टॉफी, ओ वो अंदर लड़ाई हो रही है। ओ फायर, ये लड़कियों की वजह से गुस्सा करते हैं ना। ओ मैक्स की गर्दन टेढ़ी हो गई है वो गुस्से में। नहीं नहीं, ये ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, पकड़ लो। गर्ल्स को तो देखो, फुज़ैल पकड़ लो, बिल्लू बहुत गुस्सा करता है। ओए 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 ओए, बिल्लू इतना गुस्सा, मम्मा के पास आ जा, आ जा मम्मा के पास। मेरी मोटी ताजी बिल्ली। बिल्लू क्या हो गया इतना गुस्सा? मेरी मोटी ताजी बिल्ली। इतना गुस्सा तो नहीं बेबीज करते, मोटी बिल्ली। बिल्लू बिल्लू बात सुनो मम्मा की। मैक्स को अंदर कर दो फुज़ैल, मैक्स फिर उसके पास आ रहा है पंगा लेने। बिल्लू मम्मा छिपाल नहीं करती हो? नूर आई है, नूर मम्मा छिपाल नहीं। बिल्लू की मम्मा आ गई, बिल्लू की मम्मा। बिल्लू की मम्मा जो इतनी हसीन है, इसलिए तो बेटा इतना हसीन है। बेटा मम्मा पे गया ना, माशाल्लाह। साशा साशा, चाय पी है? हाँ, मेरी चाची पी चाची का चाय पी लेना। उसको पता है मैं चाय नहीं पी रही, मैं कहवा पी रही हूँ। साशा चाय पिए चाचा। चाची नहीं, उसको पता है चाय नहीं है, कहवा है, इसकी स्मेल गंदी है ना। चाचा चाचा उधर ही रहो। चाचिया चाय पीनी है चाचिया ने। चाचा का बिल्लू किधर? चाचा का बिल्लू। कल फुज़ैल की बर्थडे है और इस बार मैं खुद केक नहीं बना रही, लेकिन मैं क्या करूँगी कि मैं केक लाऊंगी बाहर से और केक को डेकोरेट खुद करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये लिए हैं रोज़ेस,
माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। अच्छा मैंने कुछ रोजेज लिए हैं और मैंने वाइट फ्लावर्स भी लिए हैं, आपको दिखाती हूँ। ये वाले इसके साथ और रोजेस के साथ ना कल मैं डेकोरेट करूंगी केक को, और कैसे करूंगी वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। 4 मैंने ये लिए और बाकी मैंने ये लिए, और इनके साथ मैं अब कल केक को डेकोरेट करूंगी और फिर आपको मैं दिखाऊंगी भी कि मैं कैसे कर रही हूँ। और मैंने ये वाली ली हैं कैंडल्स, और साथ में ना मैंने ये चॉकलेट बॉल्स ली हैं। ये देखें अंदर से कैसी हैं, ये वाली बॉल्स। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं केक पर लगाऊंगी और केक डेकोरेट करूंगी। ओ मफू, बच्चे पिस गए। मफू मफू आजो आजो बाहर आजो, आज फिर मफू कार्टन में चला गया, पता नहीं इसको जीवा से इतना प्यार क्यों। मफू मफू, ओ मोनी मोनी, ये देखें मफू को कितना प्यार है। कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी मफिन जैसी कैट की मेरे दोस्त के पास, जब वो अडॉप्शन पे देना जाता था। कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद हमारा वो कोई कैट है, पर वो हमारा नहीं। वो हमारा नहीं है, हम तो कभी मर भी जाए हमने मफिन को किसी को ना दे। मफिन को हम बाहर नहीं लेके जाते कि कोई देखे और इसको नजर ना लग जाए, ऐसा ही है ना, हम अपनी किसी कैट को नहीं लेके जाते। मफू पता नहीं छोटे मैक्स को क्या चाहिए, छोटा मैक्स माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा हसीन है, मुसलसल ना मुझे देखे जा रहा है छोटा। मफू ये कपड़े क्यों निकाले हुए हैं, कम खरीदना आप कपड़े। अच्छा अलमारी बना के तुम देखो, ये कपड़े हैं मैं बैग उतार के देता हूँ, ये डाल दो कपड़े एक्स्ट्रा। अब मुझे बैग उतारते हुए ना मौत पड़ रही है। ये देखें जी मैं नूर को लेने आया हूँ और नूर ने ये शर्ट ही उतारी हुई है, नूर ने अपनी शर्ट उतारी हुई है। चलो हाँ कौन रो रहा है, कौन इतना रोना क्यों आ रहा है भाई, आपको इतना रोना क्यों आ रहा है, हम तो इसको लेने आए हैं। नहीं हम इसको नहीं लेने आए, हम किसको लेने आए हैं, सर्च कर रहा है कैमरा, हम लेने आए हैं नूर को। नूर किधर है नूर, ओहो हो नूर नजर नूरी 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 ये री जेरी नूरी नूरी ये री, चलो नूरी बाहर चले। ब्रानी 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 आई है जी, ब्रानी ये तो अभी तो पड़े रहना, इसमें डाल दो फिर उसको पी लो, पकड़ो नहीं ये पहले ही भरा हुआ इसमें डालो, वो देखो वो गया तुम्हारा बैग, गया तुम्हारा बैग। मफू लीवा जी 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 जीजी, ये किसके बच्चे हैं जीजी, वाइब्रेटर चल रहे हैं जीजी के, मेरी शादी का क्या है कुल्ला, कितना अल्लाह माफी दे मुश्किल है इसको संभालना। ये मैंने बनवाया था राजस्थानी थीम का, वो जो मुझे ना बड़ी मुश्किल हो रही थी शादी में इसको संभालते हुए, बंदा कटवा ही देता यहाँ से, नहीं इसको काटते नहीं होते, नहीं बंदा इतना सा तो इस तरह लड़कों ने जो पकड़ा होती है, देखो इतना कपड़ा इसे पूरा तुम्हारा एक सूट बन जाए। अच्छा तो और अच्छा ये मुझे निकाल दो, ये मैं पहनता हूँ, ये पहनूंगा मैं, ये मैं पहनता हूँ, और ये दो निकाल दो, बाकी सब कुछ रख दो। ये मेरी पैंट बेकार है, ये आपकी नहीं है ये उमर की है ये देखो मम्मा ने बनाया था, ये रखो कितना प्यारा है छोटा सा, ये नूरी को आएगा, हाँ नूर को आ जाएगा, ये मम्मा ने बना के दिया था,
नहीं, मैक्स का बेटा किधर है, बुलाना? नहीं, उसको बड़ा होगा ये, नूर को आएगा ये। ये देखें जी, छोटा सा प्यारा सा फ्रॉग, अब सही नजर आ रहा होगा। ये तुम्हारी कोई कमीज मामा ने जी थी तो बनाया था ना? आई मेरा ड्रेस था, फिर उसका कपड़ा बच गया था। ये फूल बड़ा प्यारा लग रहा है। चलो ना फुदैल, रख दो बस। नहीं मैं नहीं उठ के आ रही। तो मैं किस तरह पकड़ूं, मैं कैसे चढ़ूं? आप इसको उस बैग के ऊपर रखो और ऊपर चढ़ के रख दो। ये देखो मेरी अकल, तुम्हारा दिमाग इतना चलता था, तुमको भी रख लो। मैं उठा सकती होती तो मैं रख देती। चलो वॉक करने चलते हैं, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आप रख दो ना। ओ जैनी के साथ चले जाओ वॉक करने। ना तो उसके बाहर जाने का वैसे भी टाइम हो रहा है, आप जैनी के साथ वॉक करने चले जाओ। ये तो सूजे में बैग है, कैसे रखूं? अब मैं क्या बता सकती हूँ, ये नहीं आ सकते। और जी आज का ब्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग होगा, आप लोग हमेशा कहते हैं कि आपकी अब बहुत छोटे व्लॉग्स बनाती हैं। अच्छा तो अभी डिनर का टाइम हो गया था और मैं बना रही थी चिकन जल फ्रेजी। बड़ा ही सिंपल सी रेसिपी थी लेकिन इतना कोई कमाल का ये बना था। और सारी रेसिपी रिकॉर्ड की है, कोशिश करूँगी कि जल्द अज जल्द मैं रिदा फुज़ैल व्लॉग्स पर अपलोड कर दूँ। तो जी हम लोगों ने रात को खाने के लिए ये बना ली चिकन जलफ्रेजी जल्दी से। और बाकी अब नेक्स्ट डे बर्थडे का डे है तो बर्थडे का व्लॉग भी मैं आपके साथ इसी व्लॉग में ही सारा शेयर करूंगी। और फुज़ैल के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैं फुज़ैल को यहाँ पे ना कहवा बना के दे रही हूँ। और कहवे के लिए मैंने बस पानी लिया है 1.5 कप, उसमें मैंने 3 छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं और थोड़े से मैं सौंफ डाल के इसको पकाऊंगी। जब 1 कप पानी रह जाएगा तो फिर मैं ये दे दूँगी और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मेरे ये बड़ा इफेक्टिव होता है, फुज़ैल को किसी मेडिसिन से आराम नहीं आता, सिर्फ इसी से आता है। ये भी मैंने एक घूंट लिया तो मेरा पेट का दर्द बहुत अच्छा है, कम हुआ है एक सिप से। कुदरती पता नहीं से मेरा पेट दर्द क्यों कम हो जाता है। ये बहुत इफेक्टिव है। ये देखें चिकन जल फ्रीजी रेडी है और अब मैं रोटियां पकाने लगी हूँ यहाँ पे। हाँ फुज़ैल को मैंने अभी टेस्ट करवाया है। 100 में से 100 मार्क्स। तो मोनी मोनी जी 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 तुम बहुत ज्यादा हसीन हो जी जी। जी जी के गले में ना काला पट्टा डाल दे, जिसको टीका लगा दो काला, बहुत ज्यादा माशाल्लाह 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 खूबसूरत है। चांद का टुकड़ा है मेरी छोटी जी 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 जी। अब मोनी किधर गई? मोनी मोनी ये मोनी हमारी, मोनी भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों दोनों ही एक तरह की हो गई है, खिली खिली सी। जीवो तो ऐसी बैठी रहती है और देखती ही रहती है पता नहीं क्यों। हाँ देखो ना 10 मिनट से मैं वीडियो बना रहा हूँ और मिजाल है क्या वो हिली हो। जीजी क्या बात है? जीजी वो भी बड़ी जीजी बैठी है, वो जो मुंह खोल रही है जमाई ले दी। और ये भी छोटी जीजी और ये मोनी, माशाल्लाह आप बहुत प्यारी है मोनी, बहुत ज्यादा प्यारी हो। ये जीजी भी बहुत प्यारी छोटी जीजी। मैं इनको अंदर करता हूँ। जीवा अब हम लोग खाना खाने लगे हैं। ये मेरा सालन है और ये है जी फुज़ैल का। कैसा बना फुज़ैल? बहुत ज्यादा टेस्टी। इसके साथ राइस होते हैं ना? फ्राइड राइस होते हैं, ज्यादा मजे का लगता है ये। अभी भी लग रहा है। अच्छा आपको पता है मैंने इसका नमक भी टेस्ट नहीं किया अभी। नहीं अब तुम नमक रोजो रमजान में भी रोजो में टेस्ट कहाँ करती हो, परफेक्ट टेस्ट आता है। बहुत टेस्टी है ना, रेसिपी दी है। हाँ मैंने सारी रिकॉर्ड की है। आप वो भी बहुत 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 मजे का, बहुत मजे का। मैं फुज़ैल अब टेस्ट कर रही हूँ, मैंने नमक में कुछ टेस्ट नहीं करती मैं। अब मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई कुकिंग कर करके। तुम नमक वाकई नहीं टेस्ट करती। मैं दावतों में भी नहीं टेस्ट करती हूँ। और बिल्कुल परफेक्ट बनती है। बहुत मजे का बना। हर चीज परफेक्ट है।
और अब है ये जी नेक्स्ट डे, और मैं उठते ही सारे काम करने से पहले मैं केक ले आई थी, और मैं लाई थी केक सैंड बेक से, इनका जो कोकोनट फ्लेवर है मैं वो लाई थी। एक्चुअली मुझे था कि एक तो ये फ्लेवर बड़ा मज़े का है, बड़ा लाइट सा केक होता है ये, और मुझे ऐसा केक चाहिए था जो बिल्कुल प्लेन वाइट कलर का हो, ताकि मैं उसके ऊपर रोज़ेस के साथ डेकोरेशन कर सकूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटी छोटी सी उसकी जो स्टेम्स हैं वो काट के छोटी छोटी कर ली, और मैं एक कॉर्नर में ना मैं रोज़ लगा कर सेट करती जा रही हूँ। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया है, ये वैलेंटाइंस डे पर जो लोग सेलिब्रेट करते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जब एनिवर्सरीज होती हैं तब आप इस तरह का केक बना सकते हैं। मेहनत भी नहीं होती है और बड़ा स्पेशल फील आती है कि हम लोग अपने प्यारों के लिए इतना कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से खुद डेकोर करना। अगर आपको प्लेन वाइट नहीं भी मिलता ना केक, तो आप और भी कोई भी केक ला कर ना उसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करके उसको ना आप ज़रा स्पेशल लुक दे सकते हैं। तो मैंने ना रोज़ ले लिए थे और मैंने साथ में वाइट फ्लावर्स भी लिए थे, उनको भी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर सेट कर रही हूँ। और चाहें तो आप सेंटर में भी कर सकते हैं और कॉर्नर में भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है केक डेकोर करने का। और मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से कर रही थी और मुझे ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना, तो इंशाल्लाह मैं अब और भी जब इवेंट्स होंगे और जब मैं केक नहीं खुद बना पाऊँगी, टाइम नहीं होगा, तो मैं इसी तरह से अब खुद डेकोरेट कर लिया करूँगी, क्योंकि इस तरह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और इतना खूबसूरत ये केक था ना कि बस मेरी ना इससे नज़र ही नहीं हट रही थी। और जो ये जो पत्ते थे ना रोज़ के, ये भी मैं यहाँ पर लगा रही थी, और मैंने ना इन सब को पहले घर ला कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और फिर उसके बाद मैं इसको केक में लगा रही हूँ। और ये देखें जी, ये फाइनल लुक है। साथ में मैं लेकर आई थी चॉकलेट बॉल्स, तो वो भी मैं साथ में थोड़ी थोड़ी सी लगा रही हूँ, सेट कर रही हूँ, एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए, क्योंकि केक की जो बेस है वो बिल्कुल प्लेन था, और ये कोकोनट फ्लेवर का केक था और बड़ा लाइट सा बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है। आपके सिटी से भी केक्स एंड बेक्स की ब्रांचेस तो हर सिटी में होती ही हैं, तो आप भी वहाँ से इस तरह का केक लेके ऐसी डेकोरेशन कर सकते हैं। और ये मैंने कैंडल्स लेनी थी, ये पूरा कैंडल्स का सेट था, तो ये मैंने अभी लगा के देख रही थी कि कैसे लगानी है। अभी तो खैर उतार के उसको मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी, और बाद में फिर मैं इसके ऊपर कैंडल्स भी लगा दूँगी। ये देखे मैंने ब्रॉनी के लिए क्या बनाया, कोफ्ता, गोल कोफ्ता। ब्रॉनी ब्रॉनी आजा 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 ब्रॉनी, वो देखो ब्रॉनी ने थोड़ा सा खा लिया, आजा आजा मेज के ऊपर। ये देखो ब्रॉनी का ये रहा कोफ्ता, अब देखे ब्रॉनी खाएगी कैसे, ये खुद ही जाके खा रही है। ओहो ब्रॉनी जरा खाते भी तो दिखाओ, ब्रॉनी अब ये पूरा खाओगी, पूरा खाएगी बड़ा कोफ्ता, चिकन बॉल, चिकन। क्या हाल है आपका? ठीक। आज इतने अर्से बाद आई हैं आप? जी। हैं? एक साल बाद। जितनी की तुमने लिया नानू उतनी की बहुत महंगी लग रही है। नहीं नानू, मुझे तो सस्ती लग रही है। मुल्तान फिर भी सस्ता है बाकी शहरों के नस्बत। हाँ। क्यों नहीं मुल्तान? हाँ बस मुल्तान में हर रेंज में चीज मिल जाती है। सन पैठ में तारक पैदा हुआ था, हम जंग पार गई थी ना सन पैठ की, तो हम गाँव में जंगल में चले गए, उधर लाइटें बंद कर दी, उधर दूध इतना सस्ता था, ये 2 रुपए का पा किलो, कितने का हुआ? 8 रुपए का किलो। 8 रुपए का किलो? हाँ। क्या 11 दिन का था जब हम गांव में गए थे, कासम पहले गोला गिरा था ना,
अच्छा कासिम बेले हवाई जहाज का अड्डा है ना भोपाल एयरपोर्ट, उधर गोले गिरे थे तो फिर उनने ऐलान कर दिया था कि सब शहर छोड़ जाओ। फिर हमने घर में खंडक भी बनाई थी लेकिन फिर भी उसने कहा भी लाइटें नहीं जलाओ। फिर हमें गांव में भेज दिया, हम एक माह गांव में रह के आए। और यहाँ पे मैं चिकन सीख कबाब का जो मैरिनेशन है वो कर रही हूँ। अच्छा ये मैंने रेशमी कबाब जो है ना उसकी मैरिनेशन की थी, चिकन रेशमी कबाब बनाए थे और यकीन करें इतने मज़े के कबाब थे कि जब मैंने पहला कबाब खाया, टेस्ट किया ना जब बनाकर, तो मैंने खुद बोला कि मैंने आज तक ना इतने मज़े के सीख कबाब नहीं खाए। इतनी मज़े की रेसिपी है, सारों को इतनी पसंद आई, इतनी ज़्यादा सबका पेट भर गया था, हाथ नहीं रुक रहा था। बारबेक्यू इतना मज़े का बना था, चिकन टिक्का भी और सीख कबाब भी। मैंने सीख कबाब की मैरिनेशन कर ली, चिकन टिक्का की भी कर ली। अच्छा बारबेक्यू की रेसिपीज़ ना पहले भी मैंने शेयर की हुई है रिदा फुज़ैल व्लॉग्स पे, लेकिन ये इस दफ़ा की जो रेसिपीज़ है ना, आज की रेसिपीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है उनसे। तो खैर इंशाल्लाह मैं आज ही या कल तो ज़रूर रिदा फुज़ैल व्लॉग्स पे सारी रेसिपीज़ अपलोड कर दूंगी। इधर कोयले, अब रात का टाइम हो गया, कोयले जल गए हैं, चटनी रायता सब रेडी है। तो बस अब कुछ, अब हम लोग ना चीज़ें सेट कर रहे हैं, बाहर हम लोग गैरेज में बारबेक्यू करेंगे और नीचे ही हमने सिटिंग का अरेंजमेंट किया है क्योंकि बारबेक्यू का मज़ा ही ऐसे बैठकर खाने में आता है, पूरी फैमिली एक साथ बैठे। और हमारे घर कोई भी स्पेशल ओकेजन हो तो हम बारबेक्यू बहुत करते हैं और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और मेरा बारबेक्यू तो वैसे ही बड़ा फेमस है हर जगह पर। तो बस सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ, अभी मैं खुद भी तैयार नहीं हुई थी, थोड़ी देर में मैं तैयार हो जाती हूँ। और पहले हम लोग केक कट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ना बारबेक्यू करेंगे, लेकिन तब तक कोयले वगैरह जल जाएंगे। मैं यहाँ पे तैयार हुआ थी, ज़्यादा कुछ मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं किया, बस थोड़ा सा अपने फेस को फ्रेश कर लिया था और बाल वगैरह जो हैं सेट कर लिए थे, ब्रश कर लिया। तो बस अब हम पहले केक कट करते हैं और फिर हम करते हैं बारबेक्यू। बाहर कोयले जो हैं मेरे जल रहे हैं, तो माशाल्लाह केक बहुत ही प्यारा लग रहा था और अल्लाह ताला फ़ज़ाइल को ऐसे ही खुशियों भरी बहुत सारी ढेर सारी बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका दें और बहुत बहुत लंबी उम्र करें। आप सब भी ज़रूर दुआ कीजिएगा और माशाल्लाह पढ़ लीजिएगा हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। मेरी नानो फ़ज़ैल का मुंह मीठा करवा रही हैं, केक खिला रही हैं, फिर मामा भी अपना, मामा ने तो फ़ज़ैल को पैसे ही दिए थे और मैं फ़ज़ैल के लिए गिफ्ट ले आई थी, तो मैंने अभी ला के फ़ज़ैल को गिफ्ट दिया है। और मेरी सास जो हैं उन्होंने भी गिफ्ट्स भेजे थे अटक से, एक दिन पहले हमें रिसीव हुए थे, तो उनका जो गिफ्ट है वो भी फ़ज़ैल के लिए इसी मैंने बैग में डाला हुआ था। और आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरे सास ससुर या मेरे इन लॉज नहीं होते तो वो अटक रहते हैं और वो उनके अपना वहाँ पे ज़ाहिर है बिज़नेस है, एक अपनी लाइफ होती है सबकी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतना दूर आना जाना। सो मैं इधर गिफ्ट्स जो हैं खोल रही हूँ, फ़ज़ैल को अपनी गिफ्ट्स खोलते हुए भी शर्म आ रही थी। तो मैंने फ़ज़ैल को जलबरी से कपड़े लेकर दिए थे और मेरी सास जो है उन्होंने सो कमाल के कपड़े भेजे थे क्योंकि हमारा ब्रांड है सो कमाल अटक में। जो लोग, जो मेरे सब्सक्राइबर अटक के हैं, वो आप जाइएगा वहाँ पर, हमारा ही है वो सो कमाल। सो जी अब बस मैं निकाल रही हूँ अपना कबाब, मैंने कबाब पहले ही बना के ना ट्रे में रख लिए थे सीख कबाब, बस इसको हम लोग जो अंगीठी होती है उसकी ग्रिल पर रखेंगे और बनाएंगे।
तो चलें जी अब हम चलते हैं बाहर और बारबेक्यू करते हैं। और बारबेक्यू का मज़ा ऐसे मौसम में बहुत आता है क्योंकि सर्दी भी होती है और जैसे ही कोयले वगैरह जलते हैं ज़रा एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है, म्यूज़िक हम लोग लगा लेते हैं तो हम ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं बारबेक्यू को। समझ लें ये हमारा ना एक बड़ी स्पेशल सी दावत होती है, एक ट्रीट होती है बहुत स्पेशल सी। और सब ने इतना इंजॉय किया, इतना मज़ा आया। बस हमने ऐसे नीचे ही सेटिंग कर लिए और कुशंस रख लिए यहाँ पे, और मेरी बहन अपने कामों में लगी हुई है, भाई अपने कामों में साथ साथ लगा हुआ है, तो वो अपने काम भी कर रहे हैं और साथ साथ हम इंजॉय कर रहे हैं और फैमिली सब एक साथ बैठ के खा रही है। और फ़ज़ैल भी अब एक्सपर्ट हो चुके हैं बारबेक्यू बना बना के, मतलब जो इसको करते हैं ना ग्रिल वो करेंगे, और इसमें फ़ज़ैल एक्सपर्ट हो चुके हैं और मैं मैरिनेशंस में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। सनी क्या खाएगा? सनी सनी क्या खाएगा? बिलाल हटो, सनी की नजर किस पे है? सनी देख रहा है आज मेरी जगह पे इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए हैं? सनी कहाँ जाओगे? तो बस जी व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। हम सब ने यहाँ खाना खाया और प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस शेयर किया कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें। अब मैं खा रही हूँ केक, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।